हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंश और आप सबका मैथ मैजिक में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू क्लियर एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल प्री इन 2 मंथ्स। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल प्री 2 महीने में कैसे क्लियर करें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करना शुरू किए हैं या जिनको एसएससी के बारे में पता ही नहीं है कि एसएससी होता क्या है, या उन्हें कल मालूम चला एसएससी के बारे में और वो सोच रहे हैं कि ये वीडियो देख के 2 महीने में प्री क्लियर कर देंगे, तो कृपया करके वो लोग स्टूडेंट्स वीडियो बंद कर दें, क्योंकि ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो थोड़ी बहुत तैयारी कर चुके हैं या उनका जिनका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है। तो और मैं आपको ये बता दूं, ये स्ट्रेटजी मैंने खुद फॉलो की थी और ये स्ट्रेटजी मैंने एक एग्ज़ाम से 1 महीने पहले फॉलो की थी, क्योंकि मैं पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर चुका हूँ और किसी रीज़न की वजह से मैंने अपनी प्रिपरेशन बंद कर दी थी। और मुझे आज भी याद है, मेरा पेपर था 13 मार्च 2018 CHSL के प्री था और मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी 10 फरवरी 2018 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ऑलमोस्ट 30 दिन ही मिले थे मुझे, क्योंकि फरवरी में 27 या 28 दिन होते हैं, तो लगभग 30 दिन ही मिले थे। और मेरे मार्क्स थे, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन सफिशेंट मार्क्स, मेरे मार्क्स आए थे 155.5 प्री में, जो सफिशेंट मार्क्स हैं आपकी जॉब दिलाने के लिए। 155.5 जो सफिशेंट मार्क्स हैं आपको जॉब दिलाने के लिए, ये नहीं, क्योंकि आप सोचिए, खुद सोचिए कि 1 या 2 महीने प्रिपरेशन करके आप 170-180 तो वैसे भी ला सकते हैं। 155.50 सफिशेंट मार्क्स हैं कि आपको आगे जाके जॉब, अगर आपके आगे आगे टायर्स एग्जाम सही हुए तो आपको जॉब मिल सकती है इसमें। तो और आप खुद सोचिए कि 1 या 2 महीने में आप क्या सोच रहे हैं कि 180 आ जाएंगे, तो वो तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो आते हैं फिर अपनी स्ट्रेटेजी पे। जो हमारा 2 मंथ का प्लान है, 60 डेज का प्लान, इस प्लान को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 30 डेज, फर्स्ट 30 डेज एंड सेकंड 30 डेज या लास्ट 30 डेज। तो वो कैसे करना है बताता हूँ आपको। और आप ये देखिए कि जो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसे आप सपोज करें 20 जन से स्टार्ट कर रहे हैं और 20 मार्च तक का प्लान है आपका 2 महीने का, क्योंकि 20 मार्च और मार्च के एंड से पहले तक तो पेपर वैसे भी नहीं होना। आप ये समझ लीजिए सीजीएल 2017 होगा या 18 होगा, जो भी होगा, अगर 2017 कैंसिल होता है वो होता है या 2018 ही होता है, तो 20 मार्च से पहले पेपर नहीं होना। मार्च क्या मैं तो बताऊँगा कि अप्रैल फर्स्ट वीक मान लीजिए, एटलीस्ट उससे पहले पेपर नहीं हो रहा, मार्च के एंड या अप्रैल का फर्स्ट वीक। तो हमने डिवाइड किया स्ट्रेटेजी अपने 2 पार्ट में, फर्स्ट है, फर्स्ट 30 डेज में क्या करना है आपको, और सेकंड 30 डेज या लास्ट 30 डेज, सेकंड 30 डेज। तो आते हैं कि अपनी फर्स्ट 30 डेज जो स्टार्टिंग है वो करनी कैसे है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक ले आइए, किरण की ले आइए, अरियंत की ले आइए, जिसकी भी लानी है, प्रीवियस ईयर पेपर जिसमें पेपर हो। और मैं कहूँगा कि आप कोशिश करिएगा 2017 पेपर ना हो, आप 2017 से पहले के पेपर लेके आइएगा, चाहे 2016 के हों उसमें पेपर या उससे पहले के, क्योंकि 2017 के पेपर में सीजीएल में क्या था कि बहुत पेपर बहुत ही अनइवन था, मतलब कोई शिफ्ट में पेपर इजी था, कोई में किसी शिफ्ट में टफ पेपर था। आप सपोज करिए आप किसी शिफ्ट में आप ले आए 110 नंबर लिया और किसी में आपके 60 आ रहे हैं पहले पेपर में, तो आपको अपने आप को जज ही नहीं कर पाएंगे कि मैं प्रिपरेशन सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। हो सकता है वो आपको पेपर ईजी मिल गया हो और ये पेपर टफ मिल गया हो। तो आप 2017 से पहले के पेपर स्टार्ट करिएगा, ये आपको बाद में करने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बुक वो प्रीवियस ईयर स्टार्ट करनी है, और आपको 30 शुरू के 30 डेज में क्या करना है, शुरू के 30 डेज में आपको एटलीस्ट 60-75 पेपर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, 60-75 पेपर लगाने हैं 30 डेज में। 30 डेज में इसका मतलब है आपको एटलीस्ट 2 से 3 पेपर डेली लगाने हैं। अब पेपर देने कैसे हैं मैं वो बता रहा हूँ कि सपोज करिए आप 2016 का पेपर दे रहे हैं प्रीवियस ईयर का, क्योंकि 2016 में क्या हुआ था इसके इसमें प्री जो हमारा हुआ था वो हो गया था 60 मिनट का। इससे पहले जो प्री होता था हमारा सीजीएल और सीएचएसएल का वो होता था 2 आवर्स का 120 मिनट का। तो सपोज करिए आप 2016 का पेपर उठाया आपने प्री का, तो ये करिएगा कि जिस दिन 2016 का पेपर कर रहे हैं उस दिन आप 3 पेपर करिएगा एटलीस्ट टोटल दिन में, क्योंकि आपको टोटल 30 डेज में 60-75 पेपर करने हैं, तो किसी दिन 3 में करने पड़ेंगे। तो जिस दिन आप 2016 के पेपर कर रहे हैं उस दिन आप 3 पेपर करिएगा, क्योंकि तब 60 मिनट का पेपर होता था, और इससे पहले के जब अगर पेपर कर रहे हैं प्रीवियस तो उस दिन आप सिर्फ 2 ही पेपर करिएगा। पेपर देना कैसे है वो मैं बता रहा कि आप कोई भी पेपर लगा लीजिए और उसमें घड़ी में आप 60 मिनट का टाइम लगा लीजिए। पेपर देने के बाद आप क्या करिए कि आप अपने नंबर चेक करिए कितने बैठ रहे हैं, 200 में से 80 70 50 भी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, बस नंबर चेक कर लीजिए कितने आ रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये अभी आपका टाइम हो गया 60 मिनट में आपने पेपर दे दिया, अब मेन काम अब स्टार्ट होता है आपका पेपर देने के बाद कि आप उसे आपको पूरे पेपर को एनालाइज करना है। एनालाइज का मतलब कि आपको 1 से लेकर 100 तक
सब क्वेश्चन 1 to 100 तक क्वेश्चन को एनालाइज करने हैं सारे क्वेश्चन। एनालाइज कैसे करेंगे, सपोज करिए आप मैथ का सेक्शन में आते हैं तो आप मैथ के सारे क्वेश्चन एनालाइज करिए, हर क्वेश्चन को देखिए कि आपने कैसे सॉल्व किया, और सॉल्यूशन में हो सकता है कि और अच्छे तरीके से रखा हो कि उसे, या फिर आपका तरीका अच्छा तो आप वही फॉलो करिए, या फिर कोई क्वेश्चन है जो आपने लगभग ले लिया 1 से 1.5 मिनट ले लिया, 1 से 1.5 मिनट ले लिया लेकिन जो सॉल्यूशन दे रखा है उसमें तो आपको 30 सेकंड में हो रहा है, तो आप उस सॉल्यूशन को देख के समझिए कि क्वेश्चन शॉर्ट कैसे हो सकता है, और ये आपको अगर मैथ में कोई गलत है वो तो आपको देखना ही है और सही है वो भी आपको क्वेश्चन देखना है। अब आते हैं जीएस पोर्शन में कि जीएस पोर्शन में क्या करना है। जीएस पोर्शन में हमेशा याद रखिए, अगर आप कोई और एक्स्ट्रा बुक नहीं ले रहे, सिर्फ प्रीवियस ईयर के भरोसे जा रहे हैं ना, तो आप याद रखिए कि कोई भी क्वेश्चन है ना, जैसे कोई भी जीएस का क्वेश्चन था तो उसमें क्या करना है आपको कि सिर्फ आंसर याद नहीं करना, कोई क्वेश्चन था उसका 4 ऑप्शन में से एक आंसर था वो याद नहीं रखना। क्या होता है किरण की और आर्यन की बुक में क्या होता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी होता है, कि जैसे कोई जीएस का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 26 कुछ भी था, उसके 4 ऑप्शन थे, तो किरण में क्या होगा कि उसका ऑप्शन तो होगा ऑप्शन ए सपोज करो, उससे रिलेटेड बातें भी होंगी, उससे रिलेटेड चीज भी होंगी क्या क्या है, तो आपको वो पूरी पढ़नी है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या चीज जान सकते हैं। इस क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही हमारे लिए मैटर नहीं है, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं वो भी हमें सबको सीखनी है। तो ऐसे करके हमें पूरा पेपर एनालाइज करना है और उसमें हमारा लगभग लग जाएगा 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, एनालाइज करने में हमारा लग जाएगा लगभग टाइम 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, और प्लस 1 घंटा हमारे पेपर देने में लग जाएगा। तो इसका मतलब एक पूरा पेपर हमें लगभग पड़ेगा 2.5 से 3 घंटे का, एक पूरा पेपर करने का टाइम लगेगा हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे, ठीक है, एक पेपर लग गया हमारा 2.5 से 3 आवर। और आपको एटलीस्ट याद रखिए 3 पेपर देने 2016 के, और उससे पहले वाले पेपर देने तो 2 पेपर विद एनालिसिस, क्योंकि आप टाइम कम है तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। जैसे हमने टाइम एंड वर्क में मैंने पढ़ाया था ना कि एफिशिएंसी क्या होती है हमारी डेज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर आपके दिन कम है आपको काम करना है ज़्यादा तो एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, दिन कम है और काम ज़्यादा करना है तो एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, दिन कम है तो आपको एफिशिएंसी बढ़ानी ही पड़ेगी आपको। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ फॉलो करेंगे कि आपको एटलीस्ट 3 पेपर देने हैं और पर पेपर में कितने टाइम लग रहा है 2.5 से 3 घंटे, क्योंकि टाइम कम है तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं आपके स्टेप नंबर 2 पे, सेकेंड पार्ट में क्या करना है हमें, सेकेंड पार्ट जो हमारा लास्ट 30 डेज में क्या करना है आपको, डेली एक मॉक देना है ऑनलाइन। जो हम फर्स्ट 30 डेज में मॉक प्रीवियस ईयर कर रहे थे, 60 से 75 पेपर जो कर रहे थे वो हम बुक से देखे कर रहे थे, कोई बुक ली थी हमने किरण की या आर्यन की जो भी उससे देखे कर रहे थे, लेकिन अब जो लास्ट 30 डेज है ये हमें ऑनलाइन देना है मॉक टेस्ट पेपर, चाहे आप लैपटॉप पे दें कंप्यूटर पे दें। मैं तो बहुत बार होता था कि अगर रात में मन कर रहा है मेरा तो मैं फ़ोन पे ही दे देता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये देना है हमें ऑनलाइन ही, ठीक है। इससे क्या होगा, इस ऑनलाइन देने से क्या होगा कि हमारा पेपर में जो एक्चुअल पेपर होगा उसके थोड़ी हमें आदत पड़ जाएगी, उसकी हमारी बॉडी यूज टू हो जाएगी, ताकि ये ना हो कि हम लोग तैयारी करते टाइम बुक में दिया और जब मेन पेपर देने जाएंगे वो तो कंप्यूटर में होता है, तो एक बार थोड़ा एकदम ही चेंज आ जाए। इसलिए जो आपके लास्ट 30 डेज में आपको जो मॉक देना है वो ऑनलाइन ही देना है, ठीक है। और इसमें ये सबसे पहली चीज़ ये करनी है इसमें, और इसमें दो चीज़ करनी है, दूसरी चीज़ है हमें इंग्लिश के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन idiom एंड फ्रेजेस एंड एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये जो प्रीवियस ईयर जितने भी आ चुके हैं SSC CGL CHSL CPO आपको सब याद करने हैं आपको पूरे, ये लगभग मैं आपको बता दूँ वन वर्ड है लगभग 1200 के आसपास, idiom phrases भी कुछ 1250 इतने आ चुके हैं, ऐसे सेम एंटोनिम और सिनोनिम भी है, एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये भी आपको प्रीवियस ईयर याद करने ही करने हैं, क्योंकि सिर्फ एक दिन में एक मॉक दे रहे हो तो आपका टाइम तो बहुत बचेगा एक मॉक का। और याद रखिएगा एनालिसिस इसमें भी करना है, जैसे इस पेपर में करते थे ना कि पेपर देने के बाद एनालाइज कर रहे हैं, इसमें भी एनालाइज करना है, तो वही मान लीजिए लगभग 2.5 से 3 घंटे एक पेपर देने में लग जाएंगे, तो आप पर टाइम तो बहुत बचेगा, तो आपको ये याद रखने पूरे याद करने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन idiom phrases एंटोनिम एंड सिनोनिम, ये पूरे याद करने SSC CGL के प्रीवियस ईयर के, ठीक है। ये दो चीज़ करनी है आपको सिर्फ, क्योंकि आप पर टाइम कम है, आप इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। अगर आप किसी बुक के थ्रू जाएंगे, आप सोचेंगे कि मैं इंग्लिश की सेपरेट बुक लूँ, GS की सेपरेट बुक लूँ, मैथ की और रीजनिंग की, तो आप 2 महीने में भूल जाएगी, आप क्लियर कर पाएंगे। आप ये स्ट्रेटेजी सिर्फ उसके लिए है जिन पे बच्चों में सोच रहे हैं कि पहले तैयारी थोड़ी बहुत कर चुके थे लेकिन अब छोड़ दी कि एग्जाम CGL करा नहीं रहा है, अब 2 ही महीने में एकदम लगा कि अब यार अब कर ले रहे हैं कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं, तो ये उन स्टूडेंट के लिए ही तैयारी है, उन्हीं के लिए ही प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बनाई गई है।
और टाइम भी मैंने जानबूझ के लिख दिया कि 20 जनवरी से 20 मार्च तक के लिए, और ये अगर स्ट्रेटेजी आप फॉलो करेंगे 2 महीने तक कंटिन्यू, तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप सीजीएल सीएचएसएल प्री दोनों क्लियर कर पाएंगे, वो भी अच्छे मार्क्स से। जैसे मेरे 155.5 मार्क्स आए थे, सिर्फ एक महीने की प्रिपरेशन थी, वो मैंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा था। और जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं उन सबको मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी प्री निकालने के लिए।